नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल मार्केट विद्यालय में स्वागत है। दोस्तों, निफ्टी सेंसेक्स में आज यहाँ पे जबरदस्त तेजी का दौर था। आज यहाँ सेंसेक्स 1100 पॉइंट प्लस रहा, जबकि निफ्टी की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे लगभग 330 पॉइंट प्लस रहा। दोस्तों, आज यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात यह था कि जो सेंसेक्स था, सेंसेक्स यहाँ पर फिर से 50,000 के स्तर को पार कर चुका है। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि इसमें 50,000 के ऊपर का यहाँ पर क्लोजिंग दिया है सेंसेक्स ने। अगर हम यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज यहाँ पर लगभग 350 प्लस पॉइंट प्लस रहा, जो 330 पॉइंट के आसपास है क्लोजिंग हुआ जो प्लस करके। लेकिन दोस्तों, इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह था कि जो निफ्टी है वो भी इसने 1400-800 के ऊपर का स्तर पे क्लोज दिया है। तो ये दोनों ही बहुत ही अहम लेवल थे। और सिंगल डे में हमें जबरदस्त यहाँ तेजी देखने को मिला, निफ्टी यहाँ पे 350 और सेंसेक्स हमें यहाँ पे 1100 पॉइंट का तेजी देखने को मिला। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम यहाँ पे नजारा आईपीओ की बात करते हैं, जो कि पिछले हफ्ता जो आया था नजारा आईपीओ। आज यहाँ पे नजारा आईपीओ में जबरदस्त हमें लिस्टिंग गेन देखने को मिला। आज यहाँ पे लगभग 80% लिस्टिंग गेन प्रीमियर के साथ यहाँ पे आया। दोस्तों, जो इसका बेस प्राइस था 1100 के आसपास, जो इसका बेस प्राइस था, जिसमें से 80% के लिस्टिंग गेन साथ यह लगभग 2000 के प्राइस के आसपास यहाँ पर लिस्ट हुआ। लेकिन जो दिन के समाप्ति तक यह स्टॉक थोड़ा नीचे आके 44% के आसपास गेन हुआ और साथ ही यहाँ पे 1600 रुपये के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग मिला। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे यस बैंक की। तो यस बैंक में आज हमें यहाँ पे जबरदस्त तेजी देखने को मिला है। यस बैंक आज सिंगल डे में ही लगभग 2.25 रुपये प्लस रहा। अगर हम परसेंटेज में बात करें तो यहाँ पे 16% के ऊपर के यहाँ पे एक जंप लगा है। जो कि दोस्तों, पिछले कुछ दिन से यस बैंक के बारे में बात कर रहे थे कि यस बैंक में क्या हो गया है, वो जो 18 रुपये था उसे धीरे 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 नीचे करते करते ये 14 रुपये के आसपास आ चुका था। यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टरों के मन में फिर से ये शंका जाहिर होने वाला लगा था कि क्या और हमें क्या नीचे का लेवल्स देखने को मिल सकता है। लेकिन आज दोस्तों, यहाँ पे यस बैंक ने पूरी तरह से सारे मिथ को गलत साबित करते हुए सिर्फ एक सिंगल डेज में यहाँ पे 16% के ऊपर का जंप करके क्लोजिंग दिया है। एक समय तो यह 18-20% के आसपास भी ऊपर गया था, लेकिन वहाँ से क्लोजिंग होते होते यह स्टॉक 2.25 रुपये प्लस के साथ लगभग 16 रुपये के ऊपर गया, जिसके परसेंट में बात करें तो लगभग यहाँ पे 16% के ऊपर का गेन आज के दिन हमें यहाँ पर दर्ज किया गया। दोस्तों, अब हम यहाँ पे आलोक इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको यह बताना चाहूँगा कि निफ्टी और सेंसेक्स में आज जबरदस्त तेजी था। निफ्टी यहाँ 350 पॉइंट, सेंसेक्स 1100 पॉइंट, उसके बावजूद यहाँ आलोक इंडस्ट्रीज आज माइनस में ही क्लोजिंग दिया है। हालांकि यह स्टॉक आज दिन भर फ्लैट में ट्रेड कर रहा था, लेकिन मार्केट बंद होते होते यह भी आज लगभग 10 पैसा माइनस में ही बंद हुआ है। दोस्तों, मैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में यह बता रहा हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज में फिर वही लेवल जो उसका 20 रुपये का इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर धीरे धीरे उसी के पास आ रहा है। जहाँ पर मार्केट 2 बार 20 रुपये के नीचे क्लोजिंग दिया था, उसके बाद सिंगल सिंगल डेज में ये 10-10, 15-15% का जंप लगा के 21-22 रुपये के ऊपर जाता था, लेकिन वहाँ से फिर स्लो धीरे धीरे वो 20 रुपये के साइड ही आ रहा है। तो दोस्तों, आज यहाँ जो ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट में इतनी तेजी थी, इतनी तेजी के बावजूद भी यह स्टॉक में आज ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया और दिन भर यह फ्लैट कारोबार कर रहा था और मार्केट बंद होते होते यहाँ एकदम छोटा सा मतलब माइनस में ये स्टॉक बंद हुआ। हालांकि ये 20 रुपये का लेवल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम यहाँ पर फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक के बारे में। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप के आज जितने भी स्टॉक थे वो लगभग सारे स्टॉक यहाँ पे माइनस में ही ट्रेड कर रहे थे। लगभग यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक लगभग 4-5% में माइनस में ही क्लोजिंग दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जो कुछ न्यूज़ नहीं था मार्केट में, कुछ न्यूज़ नहीं था, जबकि निफ्टी सेंसेक्स हमारे जो भारतीय मार्केट जबरदस्त पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे थे, मार्केट लगभग यहाँ बहुत ही ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहे थे, उसके बावजूद भी यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप में हमें किसी भी स्टॉक में आज पॉजिटिव नोट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे उनके सारे स्टॉक में हमें यहाँ माइनस में ट्रेड होते हुए दिखा। दोस्तों, माइनस भी 1-2% वाला नहीं था, उसके ज़्यादातर स्टॉक लगभग 4-6% के आसपास हम यहाँ माइनस में देख रहे थे। अगर हम फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर भी आज यहाँ पे लगभग 6% माइनस में था, जबकि आपको पता है कि फ्यूचर ग्रुप पूरा न्यूज बेस्ड स्टॉक है। आज इस स्टॉक में कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं था, जो ना ही पॉजिटिव न्यूज़ था ना नेगेटिव न्यूज़ था, आज कुछ भी न्यूज़ नहीं आया, उसके बावजूद यहाँ पे हमें बहुत स्टॉक में 5%, 4%, 6% गिरावट दर्ज किया गया। हो सकता है इस गिरावट के पीछे जो 31 मार्च का डेडलाइन है IVCL, हो सकता है उस कारण हमें यहाँ पे नेगेटिव दिखने मिल रहा है, या फिर हो सकता है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट अंदर ही अंदर किसी को कुछ पता चला हो। खैर, ये तो जाने दीजिए, जो बात है जो भी, अगर बात सामने
आएगा तो मैं तो फ्यूचर ग्रुप में आपको अपडेट कर ही देता हूँ, क्योंकि हम फ्यूचर ग्रुप के रिलेटेड सारे अपडेट आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।